अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिस तरह की आपको पता है कि मैंने नाउन फ्रेज पर एक सिलसिला शुरू किया है लेक्चर्स का, और इसका आज दूसरा लेक्चर है जो कि हम नाउन फ्रेज के बारे में, सॉरी फ्रेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेज, के कुछ जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस हैं उसके कुछ अकसाम हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेज, जो कि कॉमन है, आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के, जो किसी मखसूस वक्त या मखसूस लोगों की तरफ से नहीं बल्कि आम तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहा है और अभी भी हो रहा है। जो सबसे पहले हमारे पास है वो एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। सो सवाल यहाँ ये है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, के एडजेक्टिव फ्रेज क्या है एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज के मिसालें क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये अल्फाज का एक ग्रुप है, हेडेड बाई एन एडजेक्टिव, जिसका हम कहते हैं ना जो हेड करता है, जिससे हम इसको पहचान लेते हैं, वो हेड कौन करता है? एडजेक्टिव, काम एडजेक्टिव का है। दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, जिस तरह के आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। इसी तरह नाउन फ्रेज भी, एडजेक्टिव फ्रेज भी या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस कुछ आसान यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। इन ईच एग्जाम्पल्स बिलो द एडजेक्टिव फ्रेज इज अंडरलाइन इन द हेड एडजेक्टिव इज बोल्ड। सो बोल्ड, मैंने सारे को बोल्ड कर दिया है जो अंडरलाइन है या जिसका कलर चेंज है। हम इस चीज को इसी तरह लेते हैं, शी हैड एक्सट्रीमली ब्लू आईज, यहाँ पर जो एक्सट्रीमली ब्लू आईज आए हैं ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे? दिस एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन आईज, क्योंकि ये नाउन है और जिस तरह के बताए थे, इट डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। सो एक्सट्रीमली ब्लू जो है ये किस चीज को, ये आई को डिस्क्राइब करता है या इसकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है। द एडजेक्टिव ब्लू हेड्स द एडजेक्टिव फ्रेज, जिस तरह के मैंने बता दिया कि जो ब्लू है ये क्या करता है, ये ब्लू असल में पूरे एडजेक्टिव फ्रेज को मॉडिफाई करता है और फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज सॉरी हेड करता है और ये फिर डिस्क्राइब करता है नाउन को। शी वोर वेरी एक्सपेंसिव शूज, दिस एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एज ग्रामेरियन सेज, मैंने खुद से नहीं कहा है, ग्रामेरियन कहते हैं कि ये मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं द नाउन शूज, यानी वेरी एक्सपेंसिव शूज। सो वेरी एक्सपेंसिव, ये वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और शूज नाउन है। सो दिस एडजेक्टिव फ्रेज इज मॉडिफाइंग द नाउन शूज, दैट्स व्हाई वी डू कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज। द एडजेक्टिव एक्सपेंसिव हेड्स द एडजेक्टिव फ्रेज, और यहाँ पर एक्सपेंसिव जो है ये असल में एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी फिर आ जाता है, एडवर्ब है, लेकिन इसके साथ हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसमें एडजेक्टिव कौन सा हेड करता है, तो एक्सपेंसिव जो है ये हेड करता है इस एडजेक्टिव फ्रेज को, एंड इट मॉडिफाइज द नाउन शो। सारा वॉज हॉस्टाइल टूवर्ड्स मी, दिस एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज द नाउन सारा, ये जो पूरा हॉस्टाइल टूवर्ड्स मी, ये जो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई करता है, सारा को। ज़रूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये सिर्फ पहले ही आएगा नाउन से पहले, बीच में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। एडजेक्टिव हॉस्टल हेड्स द एडजेक्टिव फ्रेज, सो हॉस्टल टूवर्ड्स मी, फिर ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव मिलकर इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा इसी चीज़ पे, और ये हेड करता है पूरे एडजेक्टिव फ्रेज को, और ये फिर मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है सारा को। सो दिस इज
adjective phrase. Like a normal adjective, an adjective phrase can be used before the noun. It can be used. मतलब ये है can be कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं before the noun. It's modifying as in the first two example. जो पहले तो examples में आपने देख लिया, हमने इसको इस्तेमाल किया और afterwards is here, बाद में भी आप देख सकते हैं इन मिसालों को. Here we have some real life examples of an adjective phrase. Here are some real life examples of adjective phrases with the head adjectives in color. जो adjectives होंगे वो color में होंगे, ठीक है. An overly sensitive heart is in unhappy position on this shaky earth. German writer John Wolfgang von Goethe. This adjective phrase modifies the noun heart. यानी ये जो पूरा क्या है sensitive over overly sensitive, यहाँ पर जो adjective है वो sensitive है, ठीक है. So ये phrase modify करता है इस heart को, ये बाद में आया है. So ये क्या हुआ, ये हुआ adjective phrase, ठीक है. अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ. आई एम अ फेयरली इंटेलिजेंट पर्सन बट आई डोंट थिंक माई ग्रेड्स रिफ्लेक्टेड दैट. अमेरिकन फुटबॉलर बैरी सैंडर्स. दिस एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज द नाउन पर्सन. यानी आई एम अ फेयरली इंटेलिजेंट पर्सन. दिस एडजेक्टिव फ्रेज हैज नथिंग टू डू विद आई एम, ठीक है. इसका ताल्लुक है पर्सन के साथ, ठीक है. सो ये फेयरली इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है. और फेयरली दिस इज एडवर्ब. सो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, दिस इज एक्चुअली द एडजेक्टिव फ्रेज. सो इट मॉडिफाइज द पर्सन एंड दिस इज अ नाउन. सो दैट्स व्हाई वी डू कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज. People are so sick of these Twitter tyrants. They want to be proud of their leaders. US politician Tom Perez. यानी जो लोग है so sick of these Twitter tyrants. ये पूरा क्या है adjective phrase है. So sick of these Twitter tyrants. क्योंकि it modifies the people. ये जो people है ये noun है और ये पूरा जो adjective phrase है ये इसको modify करता है. Want to be proud of their leaders. ठीक है. The first adjective phrase modifies the noun people. ये लोगों को modify करता है. The second modifies the person they. और ये जो बाद वाला है ये proud of their leaders. तो इशारा किस तरफ है, they की तरफ है. So it modifies the pronoun they. This is always someone better than you and more talented than you. Always. Restaurateur David Chung. The adjective phrase modifies the pronoun. Someone sample is there, that there is always someone. So ye pehle aa gaya better than you. So means that better than you, this is adjective phrase and it modifies the someone. And more talented than you. So yahan par agar aap dekhe to conjunction ka istemal hua hai. So matlab better than you and more talented than you dono adjective phrase hai. So ye dono isi ek someone ko kya karte hain, modify karte hain. More about adjective phrases. In an adjective phrase, the head adjective can be at the start, the middle, or the end of the phrase. The adjective phrase जो है इसमें head adjective या ये start में भी हो सकता है, middle में भी, या end of the phrase में भी हो सकता है. I am sad about the result. ठीक है. So यहाँ पर जो sad है, this is actually the adjective. I am awfully sad about the result. यहाँ पर देखे तो ये दरमियान में है, ठीक है. I am very sad. You can see here this at the end of the adjective phrase. So तीनों जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है. The other words inside the adjective phrase are known as the dependent of the head adjectives. Adjective phrase के अंदर जो और अल्फाज हैं, और जो अल्फाज हैं एडजेक्टिव्स के अलावा, ठीक है, वो हेड एडजेक्टिव पर डिपेंडेंट्स होते हैं. उनका इन्हिसार हेड एडजेक्टिव पर होता है. दे आर टिपिकली एडवर्ब्स. या तो ये एडवर्ब्स होते हैं ऑफली या वेरी, आर प्रपोजिशनल फ्रेजेस यानी अबाउट द रीजन.
तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह दे आर टाइपिकली एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स क्या है इन सेंटेंस में? ऑफुली, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो गया एंड वेरी, ये दोनों एडवर्ब हो गए। और प्रपोजिशनल फ्रेज अबाउट द रिजल्ट, सो दिस इज एक्चुअली द प्रपोजिशनल फ्रेज, नॉट प्रपोजिशन बट प्रपोजिशनल फ्रेज। इफ यू एवर फाइंड यूर सेल्फ डिस्कसिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस, इट वोंट बी टू लॉन्ग बिफोर यू एनकाउंटर द टर्म्स एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सो लेट्स गो टू डिस्कस दीज टू टर्म्स, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव टाइपिकली सेट्स बिफोर द नाउन, ये नाउन से पहले आता है। इट इज मॉडिफाइंग, जो ये मॉडिफाइंग द ब्यूटिफुली कर्व फ्रेंड्स। सो यहाँ पर जो ब्यूटिफुली कर्व है ये एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये आता है फ्रेम से पहले, इट मॉडिफाइज फ्रेम। सो दिस इज एक्चुअली द नाउन एंड ब्यूटिफुली कर्व एज एडजेक्टिव फ्रेज, बट दिस इज एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। Frames are priceless. The adjective phrase is before the noun. It modifies frame. This is an attributive adjective phrase. Predicative adjective क्या है? A predicative adjective typically sets after the noun. ये noun के बाद आते हैं. It is modifying. जो कि वो noun जो ये modify करता है. वो नहीं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं. इसके साथ बिल्कुल ये ताल्लुक नहीं रखता, वही जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, जो इसको मॉडिफाई करता है, वही एडजेक्टिव्स की बात हो रही है कि वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होंगे। द फ्रेम्स आर ब्यूटिफुली कर्व, सो यहाँ फ्रेम्स अगर आप देखें, सो आफ्टर द नाउन्स आए हैं और इसको मॉडिफाई करता है, अब वो फ्रेम्स आर ब्यूटिफुली कर्व एंड प्राइसलेस। जो यहाँ पर ये है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन इसको प्रेडिकेटिव फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेडिकेट करते हैं फ्रेम्स द नाउन को। द एडजेक्टिव फ्रेज इज आफ्टर द नाउन एट मॉडिफाइज द फ्रेम्स, दिस इज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फ्रेज। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। When an adjective phrase or any adjective for that matter appears before its noun, अगर कहे adjective phrase या और भी adjective हो ये noun से पहले आ जाए, it is highly likely to be an attributive adjective। इसको हम क्या कहते हैं? Attributive adjective अक्सर। However, an adjective that appears after its noun, वो adjective जो कि उसके noun के बाद आ जाए, can also be attributive, वो भी attributive हो सकते हैं। The frames beautifully curved by monks are priceless. तो यहाँ पर ये जो beautifully curved by monks are priceless. The adjective phrase is after the noun, it modifies. So after the noun, ये noun है and it is modifying this. It is an attributive adjective. Even though most attributive adjective sets before their noun, अक्सर जो attributive adjectives हैं ये noun से पहले आते हैं. The position of an adjective does not determine whether it is attributive or predicative. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आया ये attributive है या predicative. An attributive adjective sets inside the noun phrase. अब बात यह है कि attributive adjective जो है ये noun phrase के अंदर होते हैं, of the noun it modifies. And a predicative adjective sets outside the noun phrase. और जो predicative adjectives है ये noun phrase के बाहर होते हैं, the noun it modifies. Typically a predicative adjective is linked to its noun. ये अपने जो नाउन है उसके साथ लिंक होता है विद अ लिंकिंग वर्ड, फॉर एग्जांपल टू बी, टू लुक, टू स्मेल, टू टेस्ट। सो ये एक तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है कि फला चीज ये एट्रिब्यूटिव है या ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। द डॉग इज कवर्ड इन मड, लुक्स प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अब इस एग्जाम्पल को देखें, द फर्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज इवन दो इट इज पोजिशन आफ्टर इट्स नाउन, कि ये नाउन के बाद आया है, द डॉग इज एट्रीब्यूटिव, ये क्या है? द डॉग एट्रीब्यूटिव बिकॉज इट अपियर्स इन साइड द नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज के अंदर आता है। द डॉग कर्ड इन मर्ड, द सेकेंड इज प्रेडिकेटिव बिकॉज इट अपियर्स आउटसाइड द नाउन फ्रेज ऑफ द नाउन, इट मॉडिफाइज। नोट हाउ इट इज लिंक्ड इट्स नाउन विद द एग्जांपल लुक्स। आगे देखिए,
मोर अबाउट मल्टीवर्स एडजेक्टिव्स, बी अवेयर दैट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मल्टीवर्स एडजेक्टिव, यहाँ पर और किस्म के भी मल्टीवर्स एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, लाइक ऑल क्लॉजेस एन एडजेक्टिव क्लॉज इंक्लूड द सब्जेक्ट इन अ वर्ब, क्लॉज वही होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होते हैं, इसमें एडजेक्टिव सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। द ब्रेड यू बॉट यस्टरडे हैड गॉन मोल्डी, द क्लॉज यू बॉट यस्टरडे इज अ मल्टीपल एडजेक्टिव, यू बॉट यस्टरडे, सो इट सेज समथिंग मोर अबाउट द ब्रेड, सो एज अ मल्टीपल डिस्क्राइबिंग द ब्रेड, इट हैज अ सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट है यू एंड अ वर्ब बॉट, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम किसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो पूरा इसको एक और फ्रेज दिया गया है इससे इस चीज के बारे में, यानी यू बॉट यस्टरडे इट इज एक्चुअली द एडजेक्टिव of this sentence, so that's why we do call it adjective clause. Adjectival phrase क्या है, आप the term adjectival phrase, ये adjective phrase और adjectival phrase में फर्क है। The term adjectival phrase is often used interchangeably with adjective phrase, but lots of grammarians reserve this term for multiple adjectives, जहाँ पर multiple adjectives वो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, that are not headed by an adjective, जिसमें वो इसमें कोई एडजेक्टिव इसको हेड नहीं करता हूँ। माई अंकल डेटेड द गर्ल विद द टैटूज, सो यहाँ पर आप देखें द फ्रेज विद द टैटूज इज अ मल्टीपल एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द गर्ल, बट इट्स नॉट हीडेड बाय एन एडजेक्टिव, हीडेड बाय द प्रेपोजिशन विद, दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, इट इज बेस्ट क्लासिफाइड एज एन एडजेक्टिवल फ्रेज एज अपोज्ड टू एन एडजेक्टिव फ्रेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, a few people have any questions regarding this lecture, so please jot down your questions below in the comment box, you can WhatsApp me or you can email me, whatever you have in your mind for the improvement of this class in lectures. If you have suggestions, so please, your suggestion will be highly valued, and we will try to cope with all those problems which are facing by you people. So this is an honest request from you people to watch this video, subscribe to this channel, like this video, and share this video with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.